आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आपको किसी की बात से इतना ज़्यादा फर्क ना पड़े। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को आपसे इम्प्रेस कर दे। आपका एटीट्यूड आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा मदद करता है। एक क्लास में एक स्टूडेंट आराम से बैठा होता है, मतलब चुपचाप बैठा होता है, यानी वो इतना ज़्यादा किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करता। लेकिन फिर भी कुछ लोग उससे बात करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, कुछ लोग उससे बात करना पसंद करते हैं, उसके पास जाते हैं। ये कैसे होता है? अब यहाँ पर उसने कुछ इस तरह से शो नहीं किया कि उसने किसी के पास जाकर बातें की हो या किसी को अपने पास बुलाया हो। यहाँ पर लोग ऑटोमेटिकली उसके पास गए। तो ये कैसे हुआ? सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी से, यानी उसका एटीट्यूड इस तरीके का था कि वो किसी के काम में दखलंदाजी नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो इस तरीके से बैठा था या फिर क्लास में इस तरीके से इन्वॉल्व होता था कि लोग उससे बात करना पसंद करते थे। क्लास के बाकी लोगों को समझ में आता था कि वो पढ़ने में इंटरेस्टेड है या फिर वो पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, तो हो सकता है कि उससे बात करके वो भी अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। और कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी बात करने से आपस में दोस्ती अच्छी बन सकती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा शाइनेस है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो भाई कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, जो आप अपने अंदर इस तरीके से बैठा सकते हैं कि फिर आपको बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं होती, फिर आपको किसी को बहुत ज़्यादा अप्रोच नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आप कॉन्फिडेंट भी है और साथ साथ आप अपने आप को इम्प्रूव भी करते हैं, आपको किसी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको इस तरीके का माइंडसेट बनाना है, इस तरह का एटीट्यूड आप बिल्ड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आपकी जो टेम्परेरी चीज़ें हैं जिन पर आपको लगता है कि यार मेरे को इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो आपको हटा देनी चाहिए। अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं और आप उसके बारे में सोचते सोचते दिन गुजार देते हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं करते, तो यहाँ पर आपको एक्शन लेने की नीड है। ऐसे ही अगर आपको गेम खेलना पसंद है, गेम्स वगैरह आप खेलते रहते हैं लेकिन उसमें आप अपना करियर नहीं बनाना चाहते, उसमें आप आगे नहीं जाना चाहते, वो सिर्फ आप शौकिया तौर पर करते हैं लेकिन उसमें पूरा दिन निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आपको वहाँ पर टाइम लिमिट लगानी बहुत ज़रूरी है। यानी फिर आपका ये क्लियर होगा कि मुझे किस चीज़ पर अपना ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पर अपना फोकस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर हम अलग अलग कैटेगरी के लोगों की बातें करें, तो AR रहमान जो है वो बचपन से ही म्यूज़िक फील्ड में थे। ऐसे ही अगर हम क्रिकेटर्स की बात करें तो वो शुरू से ही क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। या फिर डॉक्टर इंजीनियर्स की बात करें तो वो उस फील्ड में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू से काफ़ी टाइम से पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना पसंद करते हैं। तो यानी आपका जो इंटरेस्ट है आपको उस चीज़ में बिल्ड करना चाहिए, जिस चीज़ में आप अपने आप को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस चीज़ के बारे में आपको जानना पसंद है। और इसके बाद है कि आपको ये सोचना बंद करना चाहिए कि लोग मेरे बारे में सोच रहे होंगे या फिर यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। हम कई बार लोगों के बारे में कुछ ज़्यादा ही दिल पर चीज़ें लेने लगते हैं, हम कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने लगते हैं, जबकि लोगों को ये तक याद नहीं होता कि आपने ये सब बातें उनको बोली भी थी या ये चीज़ें हुई भी थी, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑटोमेटिकली इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जिसमें वो अपना टाइम लगाते रहते हैं और इस वजह से वो बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सबको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि सामने वाला उनकी चीज़ों पर ध्यान दे रहा है, सामने वाला उनको इस तरीके से सोच रहा है कि यार इसने इस चीज़ को इतना ज़्यादा कैसे बोल दिया या फिर ये क्या हो गया। ये हमें लग रहा होता है कि सामने वाला ये चीजें सोच रहा होगा या फिर हम उन चीजों की ओवरथिंकिंग करने लगते हैं, जबकि हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि अगर वो चीजें हो गई है तो अब उस चीज को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। जैसे कई बार बचपन में ऐसा होता था कि स्कूल टीचर अगर हमें बच्चों के सामने डांट देती थी, हमारी क्लासमेट्स के सामने अगर हमें सुना दिया जाता था, तो हम वो चीजें बहुत ज्यादा दिल पर लेने लगते थे। हमें ऐसा लगता था कि हमारी बेइज्जती हो गई, लेकिन एक टाइम के बाद वो चीज़ें इतनी मायने नहीं रखी, वो चीज़ें किसी को याद भी नहीं होगी। तो यहाँ पर यह बात एक्सेप्ट करनी ज़रूरी है कि हर किसी की लाइफ में अपनी चीज़ें भी हैं, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में अपनी चीज़ें करने में भी लगे हुए हैं, तो हमें ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए कि वो हमारे बारे में इस तरीके से सोच रहे होंगे या फिर हम ये चीज़ें सोचकर ओवरथिंक करने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने आप को बाकी थॉट्स में इन्वॉल्व करना चाहिए और लेट इट गो कर देना चाहिए, यानी आपको वो चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं सोचनी चाहिए। इसके बाद है आपको अपने आप को हताश महसूस नहीं करना चाहिए कि यार मेरी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि भाई जितने भी लोग हैं उसमें कहीं ना कहीं आप एग्जिस्ट करते हैं, ये इसीलिए क्योंकि आप अपना ओपिनियन रखते हैं, आपको पता है कि क्या सही है और क्या गलत है, आपकी राय मायने रखती है। कई बार ऐसा होता है कि हम हर जगह अपनी राय देना पसंद करते हैं, ऐसी जगह भी जहाँ पर लोग राय सुनना भी नहीं चाहते, और फिर वहाँ पर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा हताश महसूस करने लगते हैं कि सामने वाले ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन आपकी राय उस जगह ज़्यादा मायने रखेगी जहाँ पर वो लोग आपकी राय लेना पसंद कर रहे हैं या फिर आपकी राय को वैल्यू दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो लोग आपसे खुद बात करना पसंद कर रहे होंगे, वो आपसे जानना पसंद करेंगे कि इस चीज़ में क्या चीज़ की जा सकती है, क्या तुम बता सकते हो कि इसके अंदर सुधार कैसे होगा। अब यहाँ पर अगर आप अपनी राय देते हैं तो वो उस चीज़ को नोट करेंगे कि अच्छा ऐसी चीज़ भी की जा सकती है, ये चीज़ ऐसे ठीक भी हो सकती है, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि आपने अपनी राय देनी पसंद करी और उन्होंने सुनी भी। लेकिन अगर आप ऐसी जगह से खुद को कंपेयर करते हैं जहाँ पर वो लोग उस तरीके की बात को सुनना पसंद नहीं कर रहे या फिर वो लोग सिर्फ अपनी बातें ऊपर रखना पसंद कर रहे हैं,
तो वहां पर अपनी राय देना हमें कई बार मुसीबत में डालता है या फिर हमें ऐसा महसूस करवाता है कि हमें अपनी राय नहीं देनी चाहिए या फिर हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपनी वैल्यू के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं, आपकी राय भी एग्जिस्ट करती है। आपको पता है कि क्या सही है और क्या नहीं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने फैसले ले रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ऐसे लोगों की बातों को दिल पर मत लो जिनसे आपने राय नहीं ली या फिर वो आपकी लाइफ को अभी पूरी तरह से नहीं जानते। क्योंकि लोग ना अपनी बातें कहना पसंद करते हैं, यानी वो कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो उनको पता ही नहीं होता कि हमें बोलनी चाहिए या नहीं। कई बार किसी को पूरी कहानी नहीं पता होती, वो सिर्फ सामने वाले को जज कर लेता है या फिर किसी की बात को सिर्फ सुनकर आपके बारे में अपना ओपिनियन बनाने लगता है, जबकि उन्होंने अभी आपसे बात नहीं की है, आपको अभी तक जाना भी नहीं है, आपकी बातें सुनी भी नहीं है। इसके बाद भी वो आपकी बात को इतना ज्यादा अनसुना कर देते हैं या फिर वो दूसरे की बात को इतना बड़ा कर देते हैं कि आपके बारे में अपना ओपिनियन अपने आप बना लेते हैं। लेकिन जब यही लोग आपसे रियल में बात करें, आपके बारे में जाने, तो इनको पता चलेगा कि आप वाकई में कैसे इंसान हैं, आप वाकई में किस तरीके की बात रखते हैं, विचार रखते हैं। इसीलिए उन लोगों की बात को दिल पर मत लो जो अभी आपको जानते भी नहीं, जिन्होंने अभी आपकी बातें सुनी भी नहीं। उनकी राय को अपने दिल में बिठाकर अपने आप को ओवरथिंकिंग मत करवाओ, आप बस रिलैक्स रहो। अगर वो आपसे बात करें और आपको जाने, तो यहाँ पर ज्यादातर बातें क्लियर हो सकती है। इसके बाद जब आप अपनी चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट करते हैं, यानी अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो सबसे मुश्किल काम होता है अपने काम से काम रखना, जो कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो जब आप अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं, अपने काम से काम रखना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपकी वैल्यू क्या है। तो आपको पता चलता है कि फिर औरों की बातें आपको इतना ज्यादा परेशान नहीं कर रही, क्योंकि अब आप अपनी चीजें कर रहे हैं, अब आप अपने काम से मतलब रख रहे हैं। आपको पता है कि मुझे किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना है, किन चीजों पर अपना वक्त लगाना है, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने वक्त को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की नीड नहीं होती, ना आपके पास वक्त बचता है, क्योंकि अब आप अपनी चीजें करने में इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसीलिए अपने काम से काम रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आपके अंदर थोड़ा बहुत बदलाव करेगी, आपको सकारात्मक बनाने में, पॉजिटिव बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ये एटीट्यूड आपका जो बिल्ड होता है, ये चीज आपको अपनी लाइफ में काफी सारी चेंजेस करने में मदद करती है। लोगों की बातें आपको बहुत ज्यादा परेशान होनी बंद हो जाती है, आपको अपनी लाइफ में रिलैक्स महसूस होता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो अगर आपको ये बातें पसंद, इस वीडियो में कोई भी बात आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आपके जो कमेंट्स हैं, वो मैं रीड करता हूं, तो मुझे खुद में भी अच्छा महसूस होता है कि हम सब एक परिवार की तरह हैं। इसके साथ ही अगर आपको कोई बात करनी हो, तो हम इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाइए, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।